नमस्कार फ्रेंड्स, ऋषिकुलिया कुकिंग को आपण समस्तंको अनेक अनेक स्वागत। तो आज रेसीपी फ्रेंड्स सोयाबीन किमा मसला जोटा खाइबा को बहुत टेस्टी लगे, खास करी पाउरुटी रे। तो होटल आउ रेस्टोरेंट स्टाइल रे एही रेसीपी बनेची। तो आपण को जदि मोर एही रेसीपी पसंद आसे तो वीडियो को निश्चय लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने पे। यही रेसीपी फ्रेंड्स पूरा कम तेल आउ कम मसलार बनेची, इतने किसी स्पेशल मसला बिल्कुल भी यूज करा जाए ना। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करना। तो ये देखते फ्रेंड्स मुझे किसी सोयाबीन नहीं, सोयाबीन को 10-15 मिनिट पाई गरम पानी बतुरे दे थी। तो एबे यहाँ आम भल भाव चिपुड़ी गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। तो ये देखते बढ़िया से फ्रेंड मुझे चिपुड़ी काढ़ी नहीं जाइए सोयाबीन को। तो एबे यहाँ आम ग्राइंडिंग कर नबा। तो मन रखे फ्रेंड्स पूरा पेस्ट बनइबेनि, बस तरतरा टाइप र ग्राइंडिंग कर नबा। तो ये बढ़िया से मुझे ग्राइंडिंग कर नहीं ची। एबे आम यहाँ फ्रेंड्स मैरिनेट करदे। तो मैरिनेट करवाई कि मुझे ये गोटे बड़ चामच अदा रसुण छेचा को नहीं जाइए। तो आपड़ चाहिए ये स्टेज रे पेस्ट भी यूज करेंगे, जहाद्वर कि आर टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। भल टेस्ट आने कि मुझे हाफ चामच नहीं जाइए मीट मसला। तो मीट मसला जगह आप चाहिए किसी करी मसला भी यूज करेंगे, तार टेस्ट भल लगे। तो ये आम बेस किसी मसला यूज करवानी। ता सहित गोटे चामच नहीं जा धनिया पाउडर, हाफ चामच हल्दी गुंड, गोटे चामच ये नहीं जामें रेगुलर लंका गुंड। तो टेस्ट अनुसार हाफ चामच ये लुण देद। तो आउ कि लुण आम सेपटे मसलार ही यूज करवा। ता सहित भल फ्लेवर आने देद दही सहित कस्तूर मेथी गोटे चामच दही। ये जेहेत मुझे घर दही यूज करी तो यही टाइप र दही कि ये आपड़ फ्रेंड्स मार्केट दही भी यूज करेंगे। तो यह सब को भल भाव गोलाई दे 2-3 मिनिट रेस्ट करने छाड़ नबा। तो चलतु एवं गोटे पेस्ट बनई नबा। तो पेस्ट बनवाई कि मुझे नहीं जाए रसुण सहित अदा आ गोटे टमाटो को फाइन पेस्ट बनई साइड कर नबा। तो ये गोटे पियाज को छोट छोट भाव में काटि नहीं थी, ता सहित अल्प ये ग्रीन मटर नहीं जार टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। तो ये चलतु बनवा। तो बनवाई कि ये मुझे गैस अल्प तेल देदी सोरस तेल यूज करे, ता सहित हाफ जीरा पकई नवा, जीरार क्वांटिटी कम रखे। ता सहित ये मुझेदेवि किसी हेंगू, हेंगू दे सारे पियाज को पकई नवा। पियाज को आम गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत भल भाव भाजी नवा। तो एबे देखते फ्रेंड्स पियाज बढ़िया से ये ब्राउन कलर हो गला। तो एबे आम यही स्टेज काश्मीर लंका गुंडा पकईद। यही स्टेज काश्मीर लंका गुंडा पकेबा द्वारा कलर बहुत बढ़िया आसे आम ग्रेवी रे। तो ता सहित ये हाफ आम हल्दी गुंडा देद। तो हल्दी गुंडा देकी आपको 2-3 मिनिट एमती कषी नवा। ता सहित ये आम रखिथ पेस्ट को पकई नवा। तो पेस्ट देकी आपको एमती 3-4 मिनिट भल भाव कषी नवा, जेपर्यंत ऑयल टी ऊपर को आसीनी। तो ये आम कभर करके बारंबार आपको कसुचवा, जहाद्वर कि आम मसला जल्दी कषी जाए। तो ये मसला बढ़िया से कषी गला। तो एमती खोल 2-3 मिनिट कषि नवा। मसला भल भाव कषि सारापर आम एद ग्रीन मटर, जेहेतु आम कंचा ग्रीन मटर नहीं। तो यही स्टेज आड कले मटर टी जल्दी सीझी जाए। तो मटर को दे सारे आम एम 2-3 मिनिट कषि नवा मसलार। जेहेतु आम सोयाबीन में अल्प लुण पकईले, तो यही स्टेज आम अल्प लुण पकई नवा। तो लुण को टेस्ट अनुसार आप यूज करेंगे, ना लुणिया लगे। तो यह सब कुमें भल भाव कषि नवा। ये आम फ्रेंड्स मसला सहित मटर बढ़िया से कषि गला। तो यही स्टेज आम आड करदे सोयाबीन को। तो सोयाबीन को आड करदे 2-3 मिनिट भल भाव कषि नवा, जेहेतु आम गुंड मसला भी एथे यूज करते, सहित कंचा अदा आ रसुण पेस्ट भी यूज करते। तो से लगे सोयाबीन को ये मसलार भल भाव आम कषि नवा। ये आपड़ चाहिए अल्प अल्प गरम पा दे कि भी कषि पारे। एबे फ्रेंड्स मसला सहित सोयाबीन बढ़िया से कषि गला। तो यही स्टेज आम देद गरम पा आ 5 मिनिट कवर करके छाड़द। तो मीडियम फ्लेम आपको एमती कवर करना।
पांच मिनिट पर फ्रेंड्स यहाँ चेक ना तो ये देखो आमर तरकारी बाणी पूरा रेडीगला सोयाबीन मटर किमा मसला तो खाइबा को बहुत टेस्ट लगे पावरोटी हो रुटी हो कि आप नान हो पूरी हो जेकोसर आप आराम से आपको खाई तो यह एमती नान मारे आउ टे पा मारे पर्यटन आपको एमती कषि ना तो ये देखो पूरा बढ़िया से सुखा सुखा टाइप बनिक रेडी ये आम पकई ना एवं आम ए फ्रेंड्स आड करद कटा होद धनिया पत्र सहित किसी कंचा लंका को कंचा लंकार टेस्ट एमती कंचार पकेबा द्वारा तर बहुत फ्लेवरटा बहुत बढ़िया लगे ये किसी देशी घी नहीं देशी घी को आपड़ स्कीप करेंगे नहीं बहुत बढ़िया टेस्ट आसो देशी घी जगह आप चाहिए बटर भी यूज करेंगे तार टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगे तो यह सब को आम भल भाव गोलाई नवा देखिले तो फ्रेंड्स के जल्दी बनिके आमर सोयाबीन किमा मटर मसला बनिके रेडीगला तो खाइबा को बहुत टेस्ट लगे तो आप थे निश्चय यही टाइप घरे ट्राए करूँ आ मत कमेंट मध्यम कमेंट कर कि आपणकर मत जन वीडियो रे फ्रेंड्स किसी त्रुटि थे मत क्षमा करे जदि भी मोर यही वीडियो टी आपको पसंद लगे तो निश्चय लाइक करने जदि नुआ आसते सब्सक्राइब करने को भूलिबे सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को भी प्रेस करने तो रहा देखा नेक्स्ट वीडियो रे नमस्कार जय जगन्नाथ।